हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू, हरी मिर्च और ये पुदीना धनिया के पकोड़े। बहुत मस्त लगते हैं, रमज़ानों में एक बार ज़रूर बना करके खाएं दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं, हरी मिर्च कट कर रही हूँ और ये धनिया भी मैं कट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। आलू और ये हमारी हरी मिर्चें कट गई हैं और हमने धनिया भी काट लिया है, पुदीना ये हम इसमें मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम इसमें बेसन, एक कटोरी हमने बेसन लिया है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी अजमान, नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों के लिए हम मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। पानी जब भी डालेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी, इस टाइम तो हम सारी मिक्स कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें मिला करके तैयार करनी है, ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है दोस्तों, अब ये हम फ्राई कर लेते हैं सारे पकौड़े तरीके से डाल डाल के। इस तरीके से पलट पलट करके हम सारे पकौड़ों को सेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे बन करके तैयार हो गए हैं पकौड़े। ये देखिए खस्ता खस्ता आवाज़ आ रहा है और टमाटर सॉस के साथ में सर्व करें, बहुत मस्त लगती हैं और बहुत मज़ा आता है। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।